गुड इवनिंग चिल्ड्रन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग. नेक्स्ट पार्ट क्या है, ध्यान समझिएगा. रूल्स फॉर मेकिंग एंड रे डायग्राम फॉर द कनक्यूब मिरर. कनक्यूब मिरर से हम कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये उसके रूल को हम डिस्कस करने चल रहे हैं. पहला रूल क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन. इसका मतलब क्या है, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां पे इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कंडीशन नेसेसरी है कि वो फोकस से ही पास करनी चाहिए. ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन ड्रॉ करोगे यहां पे वो उसका नॉर्मल होगा और जिस एंगल से ये आया है उसी एंगल से जाएगा, ऑब्वियसली वो फोकस से ही पास करेगा. क्लियर है. तो व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मस्ट बी पासिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. दूसरा आते हैं इसके ठीक अपोजिट, द रे अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन. आई बात समझ में. इसका मतलब क्या है, जो लाइट फोकस से पास करेगी, आप देख सकते हैं डायग्राम में, यू कैन सी ये लाइट कहां से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है. तो जो फोकस से आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी. देखो उल्टा, पहले का ठीक अपोजिट, फोकस से प्रिंसिपल से आ रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास कर गई, फोकस से पास कर रही होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी. आई बात समझ में. तीसरा आता है आपका, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो उसी पाथ को फिर से रिट्रेस करेगी. क्यों, क्योंकि वो नॉर्मल आएगा. नॉर्मल आने का मतलब क्या है, इंसिडेंट एंगल जीरो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए. दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉ. इन्हीं के बेस पे हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपको बहुत छोटे छोटे वीडियोस शेयर करूंगा जिससे कि आप बोर भी ना हो और अच्छे से आपका क्लियर हो कंसेप्ट. तो क्या कर रहा है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक along the same path as it is normally incident. जैसे light आई है ये उसी path को retrace कर देगा. क्यों, क्योंकि वो 90 degree पा रही. अब पता है, मैंने बताया था कि center of convergence जो भी line होगा वो क्या होगा, 90 पे होगा. जब कोई light 90 पे ऐसे incident हो रहा है तो वो reflect भी 90 पे ही होगा, ये rule है, उसी path को retrace कर देगा. तीसरा rule क्या हुआ, चौथे रूल पे आते हैं. चौथा रूल क्या है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली मेक इक्वल एंगल. अगर लाइट, ध्यान समझना, अगर लाइट ऑब्लिकली इंटर कर रहा है मिरर के ऊपर, ऑब्लिकली मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पे एंटर कर रहा है, तो जिस एंगल पे एंटर किया है उसी एंगल से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. देखो ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ है, ठीक है, ये सही है, उसी एंगल पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. इसका मतलब आई इज इक्वल टू आर होना चाहिए. ये चार रूल है इमेज फॉर्मेशन के, इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, इमेज को ड्रॉ करते हैं. एक बार फिर सरसरी निगाह दौड़ाते हैं, एक बार रिपीट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, देन वी विल स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर नेक्स्ट वीडियो. तो रूल फॉर मेकिंग द रे डायग्राम, पहला रूल क्या है, लाइट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से ही पास करेगी. दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. दूसरा, अगर लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के. आई बात समझ में, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तीसरा पार्ट, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी. क्यों, क्योंकि वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है और लाइट अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट होगी. आई बात समझ में. और चौथा पार्ट क्या है, अगर लाइट ऑब्लिकली एंटर कर रही है तो जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी ही एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा. दीज आर द फोर रूल एंड दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. इसको आप रिकॉल करिए. अगले वीडियो हम फिर से अवेलेबल होंगे विद द इमेज फॉर्मेशन बाय द कनकेव मिरर. थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.